तो है गाइस बॉडी सब जान मैं फिर सच कोई को ब्रांड न्यू वीडियो लेके माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज की और ये हमारी सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड 2 है। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा जाओ और अभी देखो, उसके बाद भी तुम्हें देखना वरना तुम्हें कुछ समझ आने वाला नहीं है। और लाइक और सब्सक्राइब करें बिना बिल्कुल मत जाना, एंजॉय करो फिलहाल इस वीडियो को, ठीक है। तो गाइस हमारा आज का गोल है इस वीडियो का, हमें चाहिए एक फूड फार्म, लिटरली हर चीज़ होनी चाहिए उस फूड फार्म में। चिकन और मटन के अलावा जो मतलब उगा सकते हैं वो हम उगाने वाले हैं उस फार्म में, ठीक है। फिलहाल मैं जितनी भी गाजर वाजर बीट रूट हमें जो मिलता है इस विलेज में हम उठाने वाले हैं, और मैं सीधे तुम्हें वहीं मिलता हूँ जहाँ पर हम वो बनाने वाले अपना फार्म। लिटरली तुम देख सकते हो कि हमारे सामने है बिल्कुल, और हमारा लकी भी हमारे साथ है। तो फिलहाल मैं सोच रहा हूँ तुम्हें वहीं पास से दिखाता हूँ। तो गाइस ये जगह है जहाँ पर हम बना रहे हैं अपना फार्म। जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पर अभी भी कुछ खोदने वोदने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बीच में तुम देख सकते हो कि यहाँ भी एक ब्लॉक का हाइट है। जल्दी से अपनी शवल निकाल के इसको क्लियर करते हैं। और लिटरली मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मेरी आयरन शवल की ऐसी तैसी होने वाली है यहाँ पर। तो गाइस जैसे मैंने कहा था, माइनक्राफ्ट इज अ रियल गेम। लिटरली अभी क्या हुआ कि एक विलेजर था, ठीक है, वो अपना आराम से काम कर रहा था अंदर, ठीक है, अंदर काम करते उसको पता नहीं क्या शौक चढ़ा, वो पीछे आया देखने के लिए पीछे हो क्या रहा है रियल लाइफ। और यहाँ हमारी शवल भी टूट चुकी है भाई साहब, क्या कर रहे हम। तो ज़िंदगी ख़राब होने के बाद भी हम लगे पड़े मेहनत करने के लिए। अब फाइनली मैंने यह क्लियर कर दिया, पर मेरे को अब बनानी है अपने फार्म की बाउंड्री, ताकि नल्ले वल्ले जोम्बी वोम्बी इसमें नहीं आ पाए, ख़राब ना करे फार्म को। जल्दी से मैं इसको काम करके तुम्हारे से मिलता हूँ। बबूम गाइस जैसे तुम देख सकते हो हमारे जो पानी का सोर्स भी हमने बना लिया है, लिटरली हर ब्लॉक तक पानी पहुंचने वाला है। अब जल्दी से इन ब्लॉक को मैं तोड़ के सीधा भागने वाला हूँ घर की ओर, भले किसी और का घर मिल जाए, किसी और का बेड मिल जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट पीछे जाके सोना है क्योंकि इन ज़ॉम्बियों ने मुझे दिख कर दिया है। लिटरली मैं खोद रहा हूँ, मेरे पीछे ज़ॉम्बी है भाई, लो एक बार देखो दर्शन करो उसके। ये नल्ला बंदा मेरे को मारने के लिए, भाई क्या करके मानेगा तू, कम से चल छोड़ो इसको जल्दी से एक बार, जल्दी से ना, मैं नहीं चाहता फालतू में वो आ जाए और बूम कर दे। मुझे पता है तुम समझ गए भाई मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो हमें घर मिल चुका है, इसमें बेड है, चल भाई हम सो जाते हैं। गुड नाइट गाइस, जल्दी मिलते हैं सीधा सुबह होते ही। तो गाइस सुबह होती मैं आ चुका हूँ अपने फार्म की तरफ ही बिल्कुल। लिटरली तुम देख सकते हो कि इन्होंने क्या आतंक मचा रखा है, ये जल रहा है, भुन रहा है। और इसको देखो भाई साहब, 4 में से 3 ज़ॉम्बी तो जल्दी नहीं रहे क्योंकि उन्होंने टोपा पहन रखा है। वेरी गुड, एक ज़ॉम्बी गया, तुम्हारी बारी बेचो, तुम्हें पता नहीं है तुम किससे भिड़ रहे हो। अबे तुम्हें पता है, एक सेकंड सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है भाई, मेरे पे हावी पड़ रही है लिटरली, मैं इनको मार नहीं पा रहा क्योंकि यार 1490 में जो कंट्रोल है ना अभी तक मेरे हाथ में सेट नहीं। चलो एक गया, दूसरा गया, तो भाई तीसरे को मैं बिल्कुल नहीं मानने वाला क्योंकि बहुत खौफनाक आइडिया मेरे दिमाग में चुका है। लिटरली मैं तुम्हें सीधा बताता हूँ, जैसे हम देते हैं कुछ मतलब रियल लाइफ में होता है ना कि हाँ भाई जब बड़ी बड़ी कोई चीज़ बन जाती है बिल्डिंग में, तो बलि देते हैं लिटरली जानवर की। मैं इस जगह पर अपने फार्म के लिए बलि देने वाला हूँ एक ज़ॉम्बी की, ना कि जानवर की। तो बेचा ज़ॉम्बी इधर आ जाइए, अंदर आना है तुझे, नल्ले अंदर जाओ इधर। एक से भाई मैं इसको बताने के चक्कर में नीचे कूद गया, भाई मेरे से बेवकूफ़ बंदा तुम्हें मिलेगा कहीं, मिलेगा चल मेरे हो सकते हैं, ठीक है जल्दी ऊपर चलते हैं। भाई ये क्यों लग प्लेस क्यों नहीं हो रही है भाई, एक सेकंड भाई नहीं अटका लिया, ओके रूम भी चाह चुके हम थोड़ी दूर लेके जाएंगे, फिर फटाफट जाके हम वहाँ ब्लॉक प्लेस करके ऊपर चढ़ जाएंगे, ठीक है, ताकि ये सेंटर में आ जाए लिटरली। और एक भाई यार इनने कैसे मतलब दो ब्लॉक पे भी आ रही है, मेरे को डैमेज दे सकते हैं लिटरली। भाई साहब माइनक्राफ्ट वाले ने ज़ॉम्बी को भी ओवर पावर कर दिया कम से, ओ भाई। तो गाइस यार लिटरली 2 घंटे ख़राब करने के बाद इस नल्ले ज़ॉम्बी को मैंने पकड़ लिया। अब मन तो कर रहा है मेरा लिटरली कि इसको मैं अभी मार दूँ, भाई मेरे ऐसा कंट्रोल नहीं आ रहा, मैं सोच रहा हूँ कि मार दूँ, इतना मनुष्य लग रहा है ना, मैं मार ही देता हूँ इसको। नहीं यार छोड़ो, ठीक है हमारे जो मोटे वो फालतू में हो जाए ख़राब, फिलहाल मैं इसको तोड़ के डाल कर जल्दी से अपने काम पर लगता हूँ। तो गाइस यार मेरे को समझ नहीं आता इन्हीं क्रीपरों की मेरे से पता नहीं क्या दुश्मनी है यार, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ कोई भी वीडियो बोली, ठीक है भले मैं अकेले बना रहा, दूसरा बंद सबके साथ बना रहा हूँ, ये आ जाते हैं मुझे फोड़ने के लिए लिटरली कम से, यार पता नहीं क्या दुश्मनी है इनकी मेरे से। एक सेकंड मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रीपर गया, ओके चलो अपने पानी भरने वाले काम पे लगते हैं वापस से, कम से बहुत मज़ेदार फीलिंग आ रही है।
तो गाइस हम फाइनली हमने कर लिया कंप्लीट, अपने पानी का सोर्स भी बना लिया हमने, ठीक है। अब जल्दी से इस होए का होने वाले काम, जल्दी एक ब्लॉक बनाते हैं, दो ब्लॉक करके मैं सोचा कि वहाँ से करें, क्यों ना तो अच्छा रहेगा ना, एक लाइन में जाएंगे मैसेज हम, ठीक है। जल्दी से फटाफट से खोदते हैं हम ये। यो यो यो, चरस रंगिया मेरे को प्यारा, चरस रंगिया मेरे को प्यारा, फुकू मैं सुबह शाम रात को दिन, मम्मी बोले मत कर, पापा बोले मत कर, आंटी बोले मत कर, मत कर, मत कर, पता है। सो गाइस हमारा जो फार्म है वो कंप्लीट हो चुका है नीली, और बस हमें बस वीट लगानी है, ठीक है। उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, इस नीले ज़ॉम्बी को मैं निकालता हूँ बाहर इसको पेलने के लिए। अब जल्दी से अपने एक्स आदमी लेते हैं, उसके मारेंगे भर भर के कम से। ले बेटा भाई, यार एक में एक शॉट में गया यार, गलत बंदा यार कम से, इसको मैंने पहले भी मार दिया था ना। ओके एक शॉट, अच्छा एक शॉट का तो बच्चा ठीक है, उससे पहले मर जाता तो कोई दिक्कत हो जाती कम से। अब जल्दी से जाते हैं अपनी कैरेट और बीट जो भी जितने भी है हमारे पास थोड़े ही है वैसे तो, उसको फटाफट से लगाते हैं यहाँ पर। उसको लगा के मैं तुम्हारे सीधा मिलने वाला हूँ गाइस। ओके गाइस, यार मेरे को अपने ज़ॉम्बी भी, सॉरी ज़ॉम्बी कह रहा हूँ मैं, अपने विलेजर को बचाना पड़ेगा इन ज़ॉम्बी, और कम से तीन चार विलेजर तो इन ज़ॉम्बी ने मेरे सामने मार दिए कम से, और मैं उनको बचा नहीं पाया क्योंकि मैं खुद भी लड़ा था यार इन ज़ॉम्बी से। क्या करूँ इन कंट्रोल का लिटरली, अगर मान लो एक जो वो ज़ॉम्बी इसका क्या कहते हैं उसका नाम आयरन गोलम नहीं होता ना, मैं उसको मार देता कम से पहले तो मेरे लिए बहुत गंदी सीन हो जाता। लिटरली उसी आयरन गोलम ने मुझे बचाया वरना मैं बहुत गंदा पिल रहा था सही में। तो गाइस आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, ठीक है। मैंने अपने बैट लगा लिया बिल्कुल विलेजर के घर के सामने जहाँ पर हमारे दो विलेजर हैं, ठीक है। अब मैं यहीं पहुँचूंगा, यहीं मरूंगा, मेरे जो भी होगा यहीं सोऊंगा, ठीक है। मैं इनकी रखवाली करने वाला जी भर के, और देख सकते हो पहले पीछे हमारा आयरन गोलम कितना जख्मी हो चुका है, उसके लिए एक लाइक तो भी पेलना बनता है, ठीक है। तो मैं आयरन गोलम की कसम बना, उसके लंबे लंबे हाथ तुम्हारे मुँह पर कब पड़ेंगे तुम्हें पता नहीं चलेगा, ठीक है, और तुमने सोची भी नहीं होगी। तो फिलहाल जल्दी जल्दी से हम करते हैं वीडियो एंड, जल्दी मिलते हैं अपने सेवल सीज के एपिसोड 2 लेके। बाय।